ये देखो, ये ना इस कलर की बिट कर रहा है। देखो पाँव पे खड़ा हो गया माशाल्लाह से, पहले खाना भी नहीं खा रहा था, अभी खाएगा। अच्छा यार ये इसने दिया है मुझे। और पंजू जो है ना खाना कोई नहीं खा रहा, मैं खाना डाला है। हालांकि नीचे ये जो होते हैं ना, ये जो नीचे गिरे हुए हैं बीज, ये ऐसे खा जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? यार मैं ना सुबह भी आया हूँ, उनको नाश्ता वगैरह देने, खाना पीना देने। तो यार पंजू जो है ना बिल्कुल ढीला हुआ है। पंजू आजा बाहर बच्चा। ये होता है मौसम की तब्दीली की वजह से। अभी जो मौसम चल रहा है ना, मतलब अभी गर्म है, पर अचानक से बारिश होगी ना, मौसम ठंडा हो जाएगा, उस वजह से ना इनको होता है। तो हमारा पिछले दिनों से ऐसे ही मौसम चल रहा है, बारिश हो रही है, फिर ठंडा मौसम हो जाता है, तो इनके ना अंदर बुखार हो जाता है। तुम किधर अंदर घुस गए हो? बाहर आओ, पट्टो नहीं बाहर आ जा, ऊपर जाओ। ये जो है ना पैनाडोल, पैनाडोल मैंने ना 3 cc ली है, 0.3 cc लेके ना, तो वो मैंने डोली को भी दे दिया और पंजू को भी दे दिया। क्यों? उसकी वजह ये है कि आपको पता होगा डोली पिछले दिनों बैटरी थी, जब हमें लग रहा था कि ये ना अंडा देने वाली है, पर फिर उसका जेंडर चेंज हो गया था। तो डोली ना पहले बीमार थी, अब पंजू जो था वो उसके साथ था। तो मुझे जो लगता है ना कि डोली की बीमारी आ गई पंजू में, पंजू सही हो, पंजू बीमार हो गया और डोली सही हो गई। ये देखो ये ना इस कलर की बिट कर रहा है, तो इसका मतलब होता है कि इनके अंदर जो चर्बी है ना वो पिघल रही है। ओए पंजू यार, ये देखो माशाल्लाह से ना अपने पाँव पे खड़ा हो गया है। दो बार मैंने इसे जो है ना पैनाडोल पिलाया है, तो देखो पाँव पे खड़ा हो गया माशाल्लाह से। तो खैर इसे जो है ना, फिर भी मैं एक बार मार्केट जाता हूँ, उससे पूछता हूँ कि ऐसे मुर्गा हमारा बीमार है, तो आप बताओ क्या देना चाहिए। पर अभी बेहतर हो गया काफ़ी, जैसे पता पहले बैठ रहा था। खाना चाहिए? हैं ये लो ये वाला खाओ, ये खाओ, शाबाश। पहले खाना भी नहीं खा रहा था, अभी खाएगा माशाल्लाह से। नीचे ना गिरा ना बच्चे, पता है ना किन क्या बिग मैन लोगों का ये। तो खैर यार मार्केट चलते हैं, जाके ना एक बार उससे पूछ के आते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे ये ठीक हो जाए, उसे बताएंगे भी कि हम पैनाडोल देते हैं इसे। अस्सलाम वालेकुम, मुर्गा है मेरा तो वो ना ढीला हुआ है काफ़ी। सील है? नहीं नहीं देसी। देसी के डाक है? बड़ा है, ये साइज होगा। खाना पीना कैसा हो रहा है? खा पी बहुत कम रहा है, पहले तो सिर्फ बैठ गया हुआ था, अभी तो फिर आँखें बंद करके नहीं, फिर जगह खड़ा हो जाता है, एक जगह पे खड़ा रहता है। हाँ आँखें मीट नहीं होती है। हाँ जी, एक ही पीस रह गया। ये क्या कैसे दिन है? ये उधर मुँह चू 6 to 7 कतरे पा देने, सुबह शाम, सुबह शाम, दोपहर भी पा सकते हो, दोपहर में नहीं लो। ठीक है कतरे के इन शाला ठीक हो गए। अच्छा यार एक काम तो हमारा ख़त्म हो गया है, अभी ऐना का खाना लेना है और बहुत लोगों का खाना लेना है, तो वो भी ले जाए। अच्छा भाई जान, खाना शाना आ गया, मैडम लोगों का भी खाना आ गया है, यसु गैंग का भी खाना आ गया है और बहादुर लोग का भी खाना आ गया, ठीक है ना। तीनों खाने हमारे आ गए हैं और मेडिसिन भी आ गई है, तो सबसे पहले जो है ना हम अपने पंजू को यार मेडिसिन दे दें। अच्छा जी, ओए टोनी पीछे हो जा, पाँव के नीचे आ जा रहा था अभी तुमने। अच्छा यार ये इसने दिया है मुझे मिंटोजन। हाँ इसने बोला है कि भाई जान आपने जो है ना ये देने हैं 6 से 7 कतरे अभी, मतलब कि सुबह दोपहर शाम 3 टाइम हमें देने हैं ये कतरे। और यार उधर ना मेरी एक बंदे से बात हो गई है, मैंने तो बोला, मैंने कहा मेरे पास 3 मुर्गे हैं वो मैं दे के, तो उसने बोला मिल जाएंगी। तो जैसे ही हमारा पंजू सही होता है ना, तो हम मैंने जो प्लान किया है, यसु पंजू और हार, ये तीनों मुर्गे हम दे दें, डोली हम अपने पास रखें। सही है। और वो कह रहा था कि मुर्गियाँ जो उसके पास है वो अंडे देने वाली हैं, जिसका मतलब है हमें फटाफट से अंडे आना शुरू हो जाएंगे। प्लान तो मेरा वैसे ये रखने का था, हार रखने का था, पर यार हार जो है ना ये बड़ा, मुझे भी पता काटता है, वो बड़ा तंग करता है ये, इसे मैंने दे देना है। इधर आओ इधर आओ, बिस्मिल्लाह, इधर आओ इधर आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यार देखो कितनी कमज़ोरी हुई है उसे, देख रहे हो ना आप। पर फिर भी अभी तो फिर भी चल रहा है, नहीं तो मतलब खड़ा हो रहा है, नहीं तो पता है पहले सिर्फ बैठ गया हुआ था। यार 8 ड्रॉप हमने दिए हैं, तो 7 से 8 उसने कहा था, तो हम जो है ना ये 3 टाइम देंगे, सुबह दोपहर शाम। उसने कहा था सुबह शाम देना है, पर अगर पॉसिबल हो सके तो दोपहर में भी दे दो, तो
देखो बार और ना मैंने से बताया था कि पैनाडोल भी मैं पिला रहा हूँ, तो उसने कहा था वो भी आप दे देना, कोई इशू नहीं है। शाबाश पंजू, जल्दी ठीक हो जाओगे तुम, ठीक है ना यार। मैं सोच रहा हूँ ये देखो ये ऐसे शोर करता है, इसे मैं दे देना, पंजू ठीक हो गया ना, पंजू को मैंने रख लेना। पंजू बड़ा अच्छा यार, ये बड़ी सारी बातें मानता है ये। ओए काकी इधर बैठ के क्या कर रहे हो हैं, दूर दूर से स्माइले पास करते रहते हो। काकी बैठ के देख रहा है बिगमैन। ओए बिगमैन चोर, हमला कर दिया तुमने, ये देखो ये रखा तुम्हारा खाना, ये है इधर आओ। देखो कैसे देख रहे, जबल औलाद जो होती है ना वो ऐसी होती है, कोई चीज नहीं छोड़ते यार इनके काम। देखो कल हमारी छुट्टी थी तो कल इन्होंने भी अंडा नहीं दिया हुआ, ये इन्होंने आज वाला अंडा दिया हुआ है, कल इन्होंने अंडा को नहीं दिया है। ओए कल का अंडा किधर है, हैं बताओ जरा दिखाओ मुझे। हाँ यार कोई अंडा नहीं है कल का, कोई अंडा नहीं उन्होंने कल दिया हुआ। इनको पता चल गया था आज हमारा बिदाम नहीं बनना, वो अंडा उन्होंने भी छुट्टी कर दी है। चलो खैर अंडा नंबर 9 हमारा आ गया, वैसे बनता तो आज 10 था पर ये 9 है, तो ये इसका कलर भी बड़ा होता ना क्या। खैर इसके ऊपर नंबर लगा के ना यार ये भी रख दें और साइड भी उनके पलट दें। अच्छा यार ये देखो मैंने ना इसके ऊपर 9 नंबर नहीं लिखा, उसकी वजह ये थी कि इन्होंने तो अंडा स्किप किया है पर हमारा दिन आगे पीछे हो जाना था, इसलिए जो है ना मैंने इसके ऊपर 10 नंबर लिख दिया। सही है ना, इसलिए लो जी ये आ गया हमारा अंडा नंबर 9 पर 10। यार मैं ना इनकी साइड बदल लूँ। हम लोग जब बचपन में बीमार होते थे ना तो घर वाले जो हमें पसंद होता था ना वो बना के देते थे ताकि हम खा लें। इनको ना ये बड़े ज़्यादा पसंद है, ये जो सूर्यमुखी के बीज होते हैं ना ये मुर्गियों को बड़े पसंद होते हैं। अभी मैं ये अंदर डालूँ ना इनको तो ऐसे चट कर दें। तो अभी फ़िलहाल हमारा पंजू बीमार है तो पंजू को जो है ना हम ये दे रहे हैं और माशाल्लाह वो खा भी रहा है। अच्छा यार आपने मुझे ये लाजमी बताना है कि हम पंजू को रखें और इन तीनों को एलिमिनेट कर दें या क्या करें, ये आपने मुझे जो है ना कल लाजमी बताना है। सही है यार, गोरी की भी खबर ले रहे हैं, क्या सूरत हाल है। बिस्मिल्लाह यार गर्मी बड़ी है, इसकी भी मुझे बड़ी टेंशन है। गोरी पुत्र ओए 4 अंडे हो गए माशाल्लाह। यार बाहर आओ हवा लो, वो देखो कैसे साल चढ़ा हुआ है तुम्हें, थोड़ी देर बाहर आ जाया करो यार फटाफट। यार मेरी तो दुआ है इनमें से फटाफट से बच्चे निकले तो हम जो है ना ये गोरी का घर हटाएं यार, गर्मी है। ओए चबलो चोरो यार, बिग मैन बाहर वो देख, बाहर मैंने रखा था ना खाया ना, अभी अंदर आके डाका डालने वाली कौन सी बात है, इधर आओ देता हूँ मैं, इधर आओ। काकी क्या बात है बच्चा, गटरों का ठेका ले लिया है अपने, हैं आजा बाहर चले ना। अच्छा इधर आओ यार, इधर ना असल में ठंडी जमीन होती है तो इसलिए जो है ना यहाँ पे ज्यादातर बैठते हैं। पारा बच्चा इधर बैठ, इधर बैठ। टोनी भाई तब से बैठ के ना वेट कर रहे थे कि पंजू जो है ना कब खाना छोड़े तो हम खाना खाएं, तो लिहाजा मैंने ना दूसरी इनको कोली में डाल के ना मैं इनको देता हूँ। आ जाओ टोनी भाई, आ जाओ ऊपर आ जाओ। बिग मैन ओ चोर इंसान इधर आओ, वो देखो ऊपर ऊपर रखे आया बच्चे, इधर आ वो देख, ये ऊपर रखा मैंने वो देख, अकेले अकेले खाया खा रहा है, तुम्हें उसने नहीं ना बुलाया, वो देखो ये देखो। तो खैर भाई जान खाना पीना हमने सब बच्चों को दे दिया है, ठीक है। पंजू को जो है ना हमने जो मेडिसिन थी वो भी पिला दी, हमने ड्रॉप्स दे दी है, मैडम लोगों का नया खाना भी आ गया है, साइड हमने बदल दी है, एक घंटा हमारा स्किप हो गया है। तो खैर ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है इसे लाइक कर दें और अपने फ्रेंड और फैमिली का शेयर कर दें। तो हमें याद रखिएगा, थैंक यू शुक्रिया मेहरबानी, अल्लाह हाफिज़। मैडम आपने कब खुशखबरी सुनानी है हमें, दावा के साफ करूँ आपको मैं।